अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मसूर पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी होती है और यह हर घर में बनती है। और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है देखने में, क्योंकि इसमें दाल, चावल और कीमा या गोश्त जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हैं। ये मैं आज कीमे की बना रही हूँ। आधा किलो मैंने कीमा ले लिया है हाथ का, और एक कप दाल ले ली हूँ मैंने अक्खा मसूर की। इसमें पाव किलो दाल भी आप डाल सकते हैं, दाल अपने हिसाब से डालें, अगर कम चाहिए तो कम, ज़्यादा चाहिए तो पाव किलो डाल सकते हैं इसमें। चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने कुकर रख दिया गैस पे, गैस चालू कर दिया है। अब चार मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके गोल्डन ब्राउन करने डाल देना है उसमें तेल में, और इसका ब्रिस्ता फॉर्म कर बनाना है। अब दाल को भी मैंने भिगा के रख दिया था आधा घंटे पहले, और अब इसको धो के अच्छे से पतीले में डाल देना है, और इसमें एक कप के करीब पानी डालना है। जितना ये गल जाए दाल के ऊपर तक का ही पानी होना चाहिए, पानी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हमें गलाना नहीं है ज़्यादा, दालों को अक्खी अक्खी रखना है, ज़्यादा गले नहीं। अब हाफ चम्मच हल्दी और हाफ चम्मच नमक डालना है टेबल स्पून। अब हम चेक करेंगे, देखिए इसमें बॉईल आ गया है और हमारी दाल अच्छे से गल गई है, बट पानी रह गया है इसमें थोड़ा, तो हमें पानी इसको फास्ट आंच पे सुखा लेना है, अच्छे से ड्राई कर लेना है दाल का पानी, ताकि वो अक्खी अक्खी भी रहे और गल भी जाए। तो चलिए अब हम इस तरफ आ जाते हैं, अपने प्याज को देख लेते हैं। हमारी प्याज भी अच्छे से लाल हो गई है, ब्रिस्ता फॉर्म में गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसे 5-10 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे प्याज को, ताकि हमारी प्याज अच्छी क्रंची हो जाए। अब इसमें मैंने उसी तेल में मैंने अखे गरम मसाले डाल दी हूँ, ज़ीरा, दो बड़ी इलायची, दो हरी इलायची और एक लकड़ी दालचीनी की और एक तेज़पत्ता। अब उसी में 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया, और अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तीनों पेस्ट डाल के अच्छे से चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, जो तेज़ वाली चिली पाउडर होती है वो डालना है, और 1 टेबल स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर। अब इसमें जो 3 बड़े टमाटर थे मैंने चॉप कर लिए थे रफली, वो डाल देना है। नमक डालेंगे टमाटर के बाद, फ़ौरन नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और ये आधा किलो का कीमा है हाथ का कुटा हुआ, ये डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, ये डाल देंगे। सब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमें 2 सीटी लगा लेना है कुकर की। ये देखिए 2 सीटी लगा दिए, कुकर का ढक्कन खोल के हमने चेक किया। अब इसे अच्छे से भूनना है, क्योंकि तेल ऊपर आ गया है सरफेस पे। ये देखिए अब इसे अच्छे से भूनना, और 1 चम्मच कोई भी बिरयानी का पाउडर आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है, ये अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं। और 1 प्याली फेटा हुआ दही डाल दें। दही डालते वक्त आँच को धीमी कर लें, और 5 मिनट बाद उसको फास्ट करके अच्छे से उसका पानी रिलीज करें, यानी हमको पानी सुखाना है, भूनना है कीमे को। ये देखिए भुन गया हमारा कीमा। इसमें 3 आलू बुखारे डाल दें। आलू बुखारे से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इससे बिरयानी अच्छी खट्टी मीठी होती है और टेस्ट बड़ा इन्हेंस हो जाता है। अब जो प्याज हमने बरिस्ता बना के फ्रीज़र में रखे थे उसमें से निकाल लेंगे, उसमें से कुछ प्याज इसमें कीमे में डाल के अच्छे से भून लेंगे, और थोड़ी सी गार्निश के लिए हटा लेंगे, ताकि हमें लास्ट में गार्निश के लिए चाहिए रहेगी। तो मैंने डाल दिया है प्याज डाल के, भी हमें 5 मिनट तक के अच्छे से भूनना है उसको, स्लो आंच पे रख देंगे, जब तक हम यहाँ चावल देख लेंगे। हमारे आधा किलो कीमा है तो मैंने आधा किलो चावल भी ली हूँ, और पानी तो उसका कोई वो नहीं है, पानी ज़्यादा लिए, क्योंकि हमें इसको निथारना है, इसको छान लेना पानी को, तो पानी ज़्यादा रहेगा 4-5 गिलास तो भी चलेगा। अब इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले डाल देंगे, जैसे ज़ीरा, हरी इलायची, दालचीनी, लकड़ी और 1 तेज़पत्ता, 2 टेबल स्पून तेल, ये डाल के अच्छे से खौल आने का वेट करेंगे। अब इसमें बॉयल आ गया है, खौल आ गया है चावलों में, तो इसको चेक करेंगे। हमारे
80 और 85% पक जाना चाहिए चावल, और जो बाकी रह जाए वो हमारा दम पे पक जाएंगे चावल। तो मेरे चावल अच्छे गल गए हैं और मैंने इसे छान लिया छलनी में, ये देखिए छान के अलग रख दिया है। अंडे को बॉईल कर लिए हैं और ये अखा मसूर भी साइड कर लिया है छान के। अब हम तह लगाएंगे, तो उसी पतीली में जिसे चावल बॉईल कर रहे थे वही उसी पतीली में हमने तह लगानी है। सबसे पहले चावल डाल देंगे, उसे अच्छे से फैला देंगे। अब उसके ऊपर हमने कीमे का जो ग्रेवी बनाई है, जो कीमे का सालन बना है हमारा मसाला, चावलों के ऊपर अच्छे से उसे भी फैला देंगे। एक तह चावलों की लग गई, एक तह कीमे की लगा देंगे। अच्छे से फैला के चारों तरफ कोने कोने में चावल, उसके बाद कीमे की लेयर लगेगी। ये लेयर वाली बिरयानी, बिरयानी भी हम इसी तरीके से बनाते हैं, और जो कि इसमें अखा मसूर डाले हैं तो ये लेयर में बहुत अच्छी लगती है। जब हम सर्व करते निकालते हैं इसको सर्विंग डिश में तो एक एक दाना दिखता है, दाल का भी और चावलों का भी और मसाला भी। अब कीमे के ऊपर फिर एक लेयर लग जाएगी हमारी चावलों की, इसे भी अच्छी तरीके से लगा देना है कोने कोने में देख के अच्छे से। ये देखिए पूरा लेयर बन गई है, कीमा हमारा छुप गया है। अब इसके ऊपर ये चावल की तह के ऊपर अब हम दाल की तह लगाएंगे, अखा मसूर जो हमने बॉईल करके रखा है। ये देखिए कैसे एक एक दाना अलग अलग है, इस तरीके से हमें अखा मसूर दाल चाहिए, इस तरीके से बॉईल होना चाहिए। तो इसे भी हम अच्छे से फैला देंगे, पूरे चावलों पे कवर कर देंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे कोने कोने तक के अच्छे से हम चम्मच के ज़रिए अच्छे से फैला देंगे इसको भी। अब बारी आती है फिर से चावलों की, लास्ट तय है ये, लास्ट लेयर बिछा रहे हैं हम लोग। ये भी चावल की लास्ट लेयर रहेगी। अब इसको भी अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ, और अब इस पर हरा धनिया, पुदीना और हमारी तली हुई प्याज जो बिरिस्ता हमने रखा है बचा के, वो डाल देंगे। बिरिस्ता जितना भी डालें उतना अच्छा टेस्ट आता है इसमें, और इसे कलर दूध में मैंने केसर भिगो दिया था गरम दूध में, और थोड़ा सा एक चुटकी येलो कलर फूड कलर डाल दिया था, तो उससे कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब 2 टेबल स्पून मैंने केवड़ा वाटर लिया है, ये ऑप्शन है, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं किसी को पसंद होता है तो ना डालें। तो मैंने 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डाल दिया है। अब 2 टेबल स्पून मैंने असली घी ऊपर से डाल देना है, ऐसे फैला के ऐसे गोल राउंड में करके चारों तरफ फैल जाए, इस तरीके से डालना है। अब फॉइल पेपर ले लिया मैंने, इसको पैक करने के लिए दम पे देना है मुझे चावल। तो अगर फॉइल पेपर नहीं है आपके पास तो कपड़ा गीला करके आप, दुपट्टा हो कोई कॉटन का वो गीला करके आप लोग रख सकते हैं, उस पर ढक्कन ढाक दें और कोई भारी चीज़ रख दें। तो ये देखिए मैंने दम पे दे दिया, अब इसे चेक करेंगे। दम पे दे के मुझे 10 मिनट हो गया है, अब इसे मैं चेक करूँगी। तो ये पूरी तरीके से अच्छे से दम पर आ गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब इसे उबले हुए बॉयल अंडे से हमने गार्निश करना है और अब सर्विंग प्लेट में सर्व करना है। तो देखिए किस तरीके से सर्व करना है, चम्मच को पूरा नीचे तक के अच्छे से तह तक के लेके जाएंगे ताकि एक एक लेयर उसकी आए। जब हम सर्विंग डिश में निकाल रहे हो तो एक एक लेयर दिखना चाहिए, चावल दाल मसाले सब अलग अलग दिखना चाहिए। और ऐसे बॉयल अंडे से हमें अच्छे से उसे गार्निश कर लेना है। अब दही का कचुम्बर से, प्याज और दही के कचुम्बर से हमें उसे खाना है, बहुत ही टेस्टी लगता है दही के कचुम्बर से। चलिए अल्लाह हाफिज़।